नेम ऑफ द जॉब है आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ सिंगल फेज मोटर। मान लो सिंगल फेज मोटर है, उसमें क्या होगा, चार टर्मिनल निकले, इसमें एक यानी दो कॉइल आएगा, ठीक है, दो वाइंडिंग आएगा, एक आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक आएगा रनिंग वाइंडिंग। अब देखिए, मान लीजिए ये एक डायग्राम हम बनाए, ठीक है, यहाँ से हम फेज दिए, यहाँ एक बल्ब लगाए, एक लैंप लगाए, ठीक है, वो लैंप है 200 वाट बाय 250 वोल्ट का। तो जॉब है आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ सिंगल फेज मोटर। मान लीजिए एक सिंगल फेज मोटर है तो उसका क्या होगा, चार टर्मिनल निकलेगा, एक दो तीन और चार। तो इसमें क्या करते हैं, एक वाइंडिंग जो होता है उसका दो टर्मिनल होगा और दूसरा वाइंडिंग का भी दो टर्मिनल होगा। हम इसमें मान लिया पहला वाइंडिंग, तो इसमें हम क्या किए, एक लैंप लगा दिए, बल्ब लगा दिए 200 वाट 250 वोल्ट का, और इसको वाइंडिंग के एक छोर पर इसका हम इसको टच किए और दूसरा एक तार लेके वाइंडिंग के दूसरे छोर में हम इसका टच किए। अगर मान लीजिए ये लैंप जो है लो लाइट दिखाता है, कम लाइट देता है, तो समझ जाइए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इधर अब इस वाइंडिंग पर आइए। अब इस वाइंडिंग में इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक लैंप लगा रहे हैं 200 वाट पे 250 वोल्ट का, और यहाँ पर टच कर रहे हैं इस टर्मिनल में और दूसरे टर्मिनल में आप टच कर रहे हैं। अगर ये लैंप हाई लाइट देता है यानी ज्यादा लाइट देता है, किसी बनिस्पत इस लैंप से ज्यादा लाइट देता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रनिंग वाइंडिंग कहलाएगा। ये ज्यादा लाइट देता है मतलब इसमें कम टर्न है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज उसके अपेक्षा ज्यादा रहेगा, जिसके कारण बल्ब का लाइट ज्यादा देगा। और ये हो गया, दोनों समझ गए, तो हम लोग अब प्रैक्टिकल में इसको चेक करके देखेंगे। इसमें सीरियल नंबर, मैन ऑफ द टूल्स, साइज और क्वांटिटी। पहला है इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर, उनका नाम औजार का नाम। साइज हम 8 इंच का लेते हैं और क्वांटिटी 1 नंबर लेते हैं। दूसरा है स्क्रू ड्राइवर, ये 6 इंच का लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं। तीसरा कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, 6 इंच लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं। सातवां इलेक्ट्रीशियन नाइफ लेते हैं, 4 इंच लेते हैं, 1 नंबर या 1 पीस लेते हैं। पांचवा सीरीज टेस्ट लैंप लेते हैं, 200 वाट बाय 250 वोल्ट लेते हैं, 1 नंबर लेते हैं। पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, इसमें नंबर नेम ऑफ द यहाँ मेटेरियल से लिखे, नेम ऑफ द मेटेरियल्स है एसी सिंगल फेज मोटर 2 HP 250 वोल्ट और क्वांटिटी 1 नंबर। दूसरा लेते हैं फ्लेक्सिबल वायर 18/36 SWG 3 मीटर। देखो यहाँ प्रोसीड्योर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 1 सबसे पहले मोटर को डिस्कनेक्ट किया और उस मोटर के टर्मिनल बॉक्स को खोला। सबसे पहले क्या करते हैं, मोटर जो होता है उसका जो सप्लाई लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा तार उसको हम खोल देते हैं, और क्या करते हैं कि उसके टर्मिनल बॉक्स जो ऊपर में लगा होता है उसको ओपन करते हैं। नंबर बॉक्स के खोलने पर 4 टर्मिनल्स दिखते हैं, यानी टर्मिनल बॉक्स को जब हम खोल देते हैं तो 4 टर्मिनल्स उसमें दिखाई पड़ेगा। और सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से दोनों वाइंडिंग्स के पेयर को ढूंढा। अब सीरीज टेस्ट लैंप हम ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप लेते हैं और उसमें जो वाइंडिंग है उसके पेयर को हम ढूंढते हैं, तो उसमें 2 पेयर मिलेगा 4 टर्मिनल का। अब नंबर 3 करता है, उसके बाद किसी एक वाइंडिंग के दोनों सिरों पर सीरीज टेस्ट लैंप लगाया, ठीक है, यदि लैंप अधिक प्रकाशित होता है तो यह वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग कहलाता है। कह रहा है कि अब क्या करते हैं, उसके बाद किसी एक वाइंडिंग में जो दोनों सिरा होगा, दोनों टर्मिनल होगा, उसमें सीरीज टेस्ट लैंप का जो दोनों छोर है उसको हम उसमें टच करते हैं। अति उसमें क्या होता है, जो लैंप का लैंप होता है वो लैंप यदि ज्यादा लाइट देगा, ज्यादा प्रकाशित होगा, तो वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 क्या कहता है, उसके बाद दूसरे वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल पर सीरीज टेस्ट लैंप के सिरों को
यदि लैंप कम प्रकाशित होता है या स्पार्किंग हो तो इस वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा जो पेयर है दूसरे वाइंडिंग का, उसको हम क्या करते हैं कि हम सीरीज टेस्ट लैंप लेके उसको हम टच करते हैं। यदि उसमें क्या होता है, उसमें यदि लैंप कम प्रकाशित होता है, कम लाइट देता है, तो इसका मतलब वो कम वाइंडिंग हो जाएगा। देखिए नोट लिख रहा है, किसी भी सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगी हुई होती है। यानी कह रहा है कि कोई भी सिंगल फेज एसी मोटर है उसमें जो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगी होती है, जिसका काम है कि जैसे ही मोटर की स्पीड 75% से अधिक हो जाए तो उसी समय यह स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सर्किट को ऑफ कर देता है और वह मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलना शुरू कर देती है। यानी कह रहा है कि उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है कि मोटर का स्पीड 75% से अधिक जब हो जाती है तो उस समय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सर्किट को ऑफ कर देती है और वह मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलने लगती है। इसमें अब देखिए प्रिकॉशन है, नंबर एक, किसी भी सिंगल फेज मोटर को टेस्ट करने से पहले उसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लेनी चाहिए। राइट, कि कोई भी मोटर है तो उसको यदि आप टेस्ट कीजिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसको सप्लाई से बिजली में जो कनेक्शन किया हुआ है उसे डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसको हटा लीजिए, तभी उसको ओपन कीजिए। नंबर टू, स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को पहचाने के लिए हमेशा सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करना चाहिए। कह रहा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को हम चेक करते हैं हमेशा, तो उसमें क्या करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। कट कीजिए, देखिए ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, इसको टेस्ट कर लिया, सीरीज में है, ये पैरेलल है। देखिए अब देखिए इसका टर्मिनल को चेक कर रहे हैं, इसमें पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए मतलब ये पेयर है, ये वाला और ये वाला। अब देखिए ये और ये पेयर है, ठीक है। अब एक का लाइट देखिए, ये थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा वाइंडिंग होगा, कम हो रहा है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, कम हो रहा है तो स्टार्टिंग, और ज्यादा है तो रनिंग वाइंडिंग। ये देख लिए, ठीक है। ये चार टर्मिनल है मोटर का, ये कैपेसिटर है, ये सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर। यस सर।